हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी स्टार्टर्स में बनने वाली चिकन की रेसिपी। इसे आप स्टार्टर्स में भी बना सकते हैं, इसे आप यूं ही घर में डिनर के लिए, लंच के लिए बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 15 ड्रम स्टिक्स लिए हैं। आप इसे चिकन में भी, नॉर्मल पीसीस में बना सकते हैं, लॉलीपॉप में भी बना सकते हैं। तो जो नाप बता रही हूँ मैं 15 ड्रम स्टिक्स के हिसाब से बताऊँगी। तो इसमें हम 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, सॉरी टीस्पून है, और 3 टेबलस्पून भर के गाढ़ा दही लेंगे, और कोई भी अच्छी कंपनी का तंदूरी मसाला लेना है, चिकन तंदूरी मसाला 2 पैकेट्स। और ये खुला बर्तन है जो परात मैंने लिया है, इसी में मैं बनाऊंगी, उसी में मैंने मैरिनेशन की तैयारी की है। और ये मैंने 100 ग्राम काजू को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, इसे भिगाया नहीं है, यूं ही मैंने डायरेक्टली इसे पीस लिया है। और ये आधा कप टमेटो केचप है, तो इसे हम थोड़ा आधा मिलाएंगे, आधा बाद में मिलाएंगे। और एक मैंने बटर लिया है पूरा, और ये मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम लिया है। अब अच्छे से मसाले को हम मिक्स करेंगे, और मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है, बाद में मिलाऊंगी चक्के, क्योंकि बटर भी सॉल्टेड है इसीलिए। अब थोड़ा बचा हुआ जो सॉस है ये भी इसमें मिला लेंगे, और फिर बाकी की सब चिकन को डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे हमें मैरिनेट करना है। और मैंने इसे आधा घंटा मैरिनेट के लिए रखा था, और अच्छी तरह से इसे पूरा मसाला लगा देना है, इसमें चारकोल का स्मोक देना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर घी डालेंगे, और इसे मैंने 5 मिनट धो यानी चारकोल का स्मोक दिया था, और आधा घंटा मैरिनेशन के रखा था। पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे भी रख सकते हैं, या फिर आधा घंटा। अब डायरेक्ट इसी तरह हम इसको चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए, गैस पे चढ़ा देंगे, और इसे 15 मिनट मैंने पकाया है, एकदम स्लो आंच पे ढक के पकाया है, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, बराबर से इवनली कुक हो। तो अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे, तो हमें इसे ऊपर नीचे करना है, और हमें चेक करना है कि मसाला भी हमारा ना चिपके। इसके लिए हमें चिकन को अच्छी तरह से इस तरह से टर्न करना है। अब फिर से हम इसे ढक के 15 मिनट पकाएंगे, यानी चिकन गले तक हमें पकाना है। तो ये आधा घंटे तो लगता ही है इसे इतना, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, और मैंने इसमें काजू भी मिलाए तखे काजू 50 ग्राम, क्योंकि कैमरा बंद हो गया था, तो ये मैं कैमरा बंद था तो शूट ले नहीं पाई मैं। तो हमें 50 ग्राम अखे काजू भी मिलाने इसमें, सेकेंड टाइम आप इसे पकने के लिए रखेंगे तब इसे मिलाना है। तो ये मेरी चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब गैस को बंद करेंगे, अब इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। इसे आप रोटी, नान, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या फिर इसे आप स्टार्टर्स में यूं ही ग्रेवी वाला जो चिकन आता है ना, इसे डायरेक्ट यूं ही आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। ये मेरी खुद की रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करना, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर पहली बार इसे बनाएंगे तो यकीन माने आप बार बार इसे ट्राई करेंगे, ये चिकन को इतनी मज़े की बनी थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।